हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर यू में। दोस्तों, आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। दोस्तों, अब आपको 100% रियल क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो देख लेते हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है ये आपको बताना था। अगर ये एक पंक्ति है, इसमें एक छोर से आप 9वें व्यक्ति है और दूसरे छोर से आप 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 9 प्लस आप 11 करोगे। आपकी पोजिशन जो है, जिस तरह जिस साइड से आप 9वें हैं, उस साइड से भी ऐड है और 11वें नंबर पर भी ऐड है, यानी दो बार ऐड है इसमें। एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो आपका आ जाएगा 9 और 11 20 और -1 19। पंक्ति में 19 व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना था, केवल 45 को भाग करना था 13 से। 13 से कट जाएगा, 13 3 39, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 6। तो शेषफल कितना बचेगा? 6, यही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज। 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है ये आपको बताना था। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे, 300 प्लस 900 आपका आ जाएगा 1200 मीटर। टाइम हमें दे रखा है 40 सेकंड। स्पीड हमें निकालनी थी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1200 बटे 40। यहाँ से निकालोगे स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमें ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 40 से कट जाएगा 30 बार, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, 6 गुणा 18 आप करोगे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेंगे एग्जाम फॉर यू चैनल को। नेक्स्ट है, 4 संख्याएं ने रखी हैं, इनमें अगर आप गुणनफल करोगे इन संख्याओं का, तो इकाई अंक क्या होगा ये आपको बताना था। इस तरह एक क्वेश्चन हम करते हैं। 698 में इकाई अंक 8 है, 539 में 9 है, 476 में 6 और 312 में 2। 9 और 2 72 गुणा 6 2 12, इसमें इकाई अंक क्या है? 2। इसमें क्या है? 2। 2 गुणा 2 करोगे आप, 4 आ जाएगा इकाई अंक। अगर आप इन संख्याओं का गुणनफल करोगे, उसमें इकाई अंक आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप दोस्तों आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था, यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ गुणा और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इसमें बताना था आपको वैल्यू क्या आएगी इसकी। तो इसे करना था, 16 गुणा का अर्थ है आपका माइनस 8, डिवाइड का अर्थ है प्लस 4, माइनस का अर्थ है आपका डिवाइड 3, प्लस का मतलब है 9। तो 16 माइनस 8 प्लस 4, भाग करना है 3 से, गुणा 9, 3 3 9, 16 माइनस 8 प्लस 4 3 12, 16 12 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 28, माइनस 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 20। 20 आपका राइट आंसर था। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 20 थी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम आपका चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, इस वीडियो में मैं आपको कवर कराता हूँ, तो आप वीडियो के साथ एंड तक देखते हुए जरूर चलेंगे। एक तक क्वेश्चन था, कार्तिक ने पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर की, फिर वह दाई ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। वह उस बिंदु से कितनी दूर है जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी? यानी यह बिंदु है पूर्व की ओर, कितना चला? 3 किलोमीटर। फिर दाई ओर मुड़ा, कितना चला? 4 किलोमीटर। तो हमें बताना है डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस अगर ए बी सी है, तो ए सी का हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसका होगा? बेस का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 25, तो एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। 5 आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आई होप दोस्तों आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
यदि ए का 30% बी, ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है ये आपको बताना है। ए का 30% किस में जोड़ा जाता है, बी के 40% में, तो उत्तर क्या आता है, बी का 80%। तो ए का 30% बराबर, इसे हम बी का 40% को राइट हैंड साइड पे लेंगे, बी का 80% माइनस हो जाएगा 20 का 40%, तो 20 का 40% आपका बच जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 0 से 0, तो आपकी ए बटे बी की वैल्यू आ जाएगी 4/3। हमें बताना है ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी 3/4 गुणा परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 × 3 = 75, तो 75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का कितना प्रतिशत बी है, 75%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट था, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना था। अगर आप 3 और 4 का एलसीएम देखोगे, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 की वैल्यू दे रखी है हमें 84 के बराबर, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 से भाग कर दोगे 7, बड़ा अनुपात क्या है 4, 4 × 7 में करोगे तो आपका आ जाएगा 28, 28 आपका राइट आंसर था, बड़ी संख्या 28 थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर था। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था दोस्तों, जेड टी ओ के एच और क्वेश्चन मार्क, इसमें हमें बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू टर्म आएगी। जेड कौन से नंबर पर आता है, 26 पर आता है, टी आता है आपका 20 पर, ओ आता है 15 पर, के आता है आपका 11 पर, एच आता है आपका 8 पर। तो 26 और 20 के बीच में कितना का अंतर है, -6 का, जेड और टी के बीच में, टी और ओ के बीच में 20 से 15 यानी -5 का, और के बीच में -4 का हो जाएगा, के और एच के बीच में -3 का, और एच और क्वेश्चन मार्क के बीच में कितने का होगा, -2 का। एच की संख्या क्या है, 8, 8वें नंबर पर आता है, 8 में से -2 करोगे तो आपका आ जाएगा 6, 6 पर कौन सा आता है, एफ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था एफ। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सोल्यूशन में समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन दे रखा है 5:126 प्रोपोर्शन 8 क्वेश्चन मार्क, इसे कैसे करना था, अगर आप 5 का क्यूब करोगे तो आपका आएगा 125, प्लस 1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 126, यानी आपकी ये टर्म मांगी। इसी तरह से आपको करना था 8 का क्यूब क्या होता है, 512, प्लस 1 करना था तो आ जाएगा आपका 513, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 513 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था दोस्तों, आई होप आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट था, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना था। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, ए और बी मिलकर बताना था टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, तो टोटल वर्क आ गया हमारा 60, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी से भाग कर दोगे 60 को 3 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 30 से भाग करोगे। एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना करेंगे ए और बी एक दिन में मिलकर, 3 + 2 = 5 यूनिट। हमें निकालना था टोटल वर्क कितना, कितने दिन में करेंगे, तो 60 यूनिट, एक दिन में 5 करते हैं, 5 से 6 काटोगे तो 12 आ जाएगा, 12 दिन में पूरे काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर था 12 डेज। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप दोस्तों आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है 1 सितंबर का, उससे रिलेटेड हमारे पास आपके जो भी क्वेश्चन आए मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस जो है समय पर देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।